आरती भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। दक्षिण पूर्व रेलवे आद्रा मंडल के भोजोडी में अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ का द्वितीय वार्षिक आम सभा का आयोजन ओबीसी शाखा भोजोडी में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विकास कुमार ने की एवं मंडल सचिव राजेश्वर महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जहां मंडल सचिव के रूप में राजेश्वर महतो ने दो वर्ष की गतिविधि, कार्यकलाप एवं अन्य कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। आगे उन्होंने कहा कि भोजोडी में हम लोगों ने शाखा का गठन देश हित एवं राज्य हित में किया है, ताकि हम पूरी ईमानदारी के साथ रेलवे को अपनी सेवा देने के साथ साथ मजदूरों के शोषण पर रोक लगा सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश के रेल मंत्री एवं प्रधानमंत्री द्वारा रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, जो देश के लिए उचित नहीं है। रेल देश का नाज है, जिसे निजी हाथों में कतई नहीं देना चाहिए। इस प्रकार पूर्व में अलग से रेल बजट पास किया जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं होता है। हम आग्रह करते हैं कि पूर्व की भांति रेल बजट पेश किया जाए। इससे पूर्व ओबीसी रेल कर्मचारी संघ आद्रा मंडल का वर्ष 2021-2023 कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव अधिकारी श्री आनंद कुमार के पर्यवेक्षण में किया गया। मौके पर मंडल अध्यक्ष विकास कुमार, सत्येंद्र कुमार राय, राजकुमार राय, अशोक कुमार, आनंद कुमार रवानी, प्रामाणिक साकिर हासदा, मुन्ना कुमार हलदर गोराए, दिलीप ठाकुर समेत अन्य उपस्थित थे। चंदन क्यारी से ब्योमकेश मिश्रा की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। संगठन 28/8/97 से रेलवे बोर्ड के मान्यता मिला है, ये पार्लियामेंट से हमारा पास हुआ है। रेल में समस्याओं को देखते हुए, पिछड़ों को यूनियन द्वारा ना देखते हुए ये संगठन को बनाया गया, और जिस दिन से बना है उस दिन से हमारा संगठन सुचारू रूप से सही ढंग से रेल का कार्य करते हुए संगठन का कार्य कर रहे हैं। हमारे ओबीसी कर्मचारी का कल्याण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज शुरू में एक भी आदमी नहीं था। लोग कहते थे भाई ओबीसी एसोसिएशन क्या है, जब अपने कार्य को उजगार किए, बहुत से कार्यों को डिमांड रखे और कार्य को पूर्ति हुआ तो ओबीसी का पहचान हो गई, जो आज आपको इस माहौल में भीड़ में देखने नजर आ रहा है। नहीं तो पहले 5 आदमी भी जुटना था, आगे ओबीसी बोलने में भी लोग कर्मचारी हिचकिचाते थे, लेकिन आज गर्व से सब ओबीसी कर्मचारी हम हैं, एक है और कार्य कर रहे हैं। आज हमारे जब संगठन बड़ी है तो सारे यूनियन के लोग भी, रेल प्रशासन भी बात विचार करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमारा रेल का चक्का चलता रहे, हमारा डिमांड पूरी होता रहे, सरकार चलता रहे। मैं अपने डिमांड के लिए हर यूनियन, हर कर्मचारी एक साथ जुटकर लड़ाई लड़ेंगे, और मैं फिर मोदी सरकार से यही कहूंगा कि रेलवे बोर्ड को अलग बजट, अलग ये होना चाहिए, और ये हमारा जो रेल पूरा देश का नाज है, जो हम लोगों का कर्मचारी सब मिलकर को देश का नाज बनाया है, रेल को आगे उन्नति किया है, उसको बराबर उनका समस्याओं का समाधान का निराकरण करें।